कोविड ने न केवल लोगों के जीवन पर असर किया है बल्कि बेजुबान जानवर भी इसके कहर से बच नहीं पाए हैं। लॉकडाउन की वजह से स्ट्रे डॉग्स को कहीं खाना नहीं मिल रहा, जिसके वजह से वे भूखे मर रहे हैं। रांची के नगर आयुक्त श्री मुकेश कुमार जी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरएमसी के द्वारा एक पहल की शुरुआत की है और लोगों को भी आगे आने का आग्रह किया है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार रांची नगर आयुक्त हूँ और हम सब इस पैंडेमिक में जो है डेफिनेटली हम सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी तरफ से काफी सारे सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा जो है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स का भी है और ये ऐसे कई जो है ऐसे जानवर जो अपनी बात नहीं रह सकते हैं और या जिनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है, एक एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था जिसकी वजह से इनकी फीडिंग हो जाती थी किसी ठेले वाले की वजह से, किसी दुकान की वजह से, किसी होटल की वजह से, तो भी लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। और नगर निगम की टीम जो है, जो हमारे स्थानीय एनजीओ के लोग हैं, यहाँ बहुत काम कर रही है और भी कई जो है यंग एंथुजियास्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और मुझे ये जानकारी दी गई कि सभी वार्ड में इस तरह के कई वॉलेंटियर्स हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। लगभग 2.5 लाख परिवार जो है काफी शहर के भीतर हाउस होल्ड हैं, अगर हर घर के भीतर से जो सक्षम है, कम से कम जिनके पास अगर सरप्लस में 2-4-5 रोटियों का भी इंतजाम हो पाता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपने घर के बाहर के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या वैसे बेजुबान जानवर हैं जिनको खाने की उपलब्धता पहले हो जाया करती थी, उनको नहीं हो पा रही है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, पर्सनल लेवल पे जाएं और उसको फीड करें। अगर और कहीं पे भी आपको लगता है कि निगम के लोगों की जरूरत है या स्थानीय एनजीओ की जरूरत है, उनकी भी मदद लें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, इस कोविड में पैंडेमिक में लॉकडाउन का आदर करें और इसी बीच में संभव हो तो अपने घर के ठीक सामने कम से कम रोटी या खिचड़ी का इंतजाम करके या किसी घंटे का ब्रेक का इंतजाम करके डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को भी जो है मुहैया कराएं। थैंक यू। ये इनिशिएटिव रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ली गई है, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कहीं भी हो, अगर आपके घर के आसपास स्ट्रे एनिमल्स हैं, तो आप उनको अपनी क्षमता के हिसाब से खाना जरूर खिलाएं और बेजुबान जानवरों को भूखा मरने से बचाएं।